ही गाइज वेलकम बैक अगेन। आज बात करेंगे द चिमनी स्वीपर। ये एक पोयम है जो लिखी गई है विलियम ब्लेक के द्वारा। ये कलेक्शन है, सबसे पहले जान लेते हैं कुछ की पॉइंट्स। कलेक्शन है ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की। चिमनी स्वीपर्स में 6 कोइट्रिंग स्ट्रेंजास हैं जिसकी राइमिंग स्कीम है AABB। लास्ट एंड होता है 2 राइमिंग कपलेट के साथ में हर स्ट्रेंजा। इस पोयम में शेड किया गया है, कंडीशन बताई गई है चिमनी स्वीपर्स, मतलब कुछ बच्चों की कंडीशन बताई गई है जो चिमनी स्वीपर्स है और किस तरीके से एक्सप्लोटेड का शिकार होते हैं अपने मास्टर्स के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम को। स्टेंजा फर्स्ट है, व्हेन माई मदर डाइड आई वॉज वेरी यंग एंड माई फादर सोल्ड मी वाइल यट माई टंग कुड सेक्रली क्राई वी सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सोट आई स्लीप। एनालिसिस है इसका, वो कहते हैं इसमें प्रोटैगनिस्ट है एक छोटा बच्चा चिमनी स्वीपर जो अपनी कहानी बाकी बच्चों के साथ शेयर कर रहा है। वो बताता है कि मैं बहुत छोटा था जब मेरी मदर की डेथ हुई थी और मेरे फादर ने मुझे बेच दिया था। जब मेरी जो आवाज़ है, मतलब वो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता था अच्छे से वर्ड स्वीप स्वीप, तो वो बाकी बच्चों को रोता रोता उस शब्द को प्रोनाउंस करता है जो होता है वी वीप वीप। वो कहता है कि मैं आपकी चिमनी को साफ करता हूँ, ठीक है, आई स्वीप योर चिमनीज। उसके बाद कहता है जो सूट सूट मीन्स कालिक, जो कालिक होती है, मैं आपकी चिमनी को साफ करता हूँ और उस कालिक में मैं सोता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लाइन्स हैं जो एक बच्चा शेयर कर रहा है बाकी स्वीपर्स बॉय के साथ में, बॉयज़ के साथ में, कि वो किस तरीके से इस दुनिया में आया और किस तरीके से वो पार्ट बना है इस जर्नी का। तो ये बहुत पेनफुल लाइन्स है एक बच्चे के, जब एक बच्चा अपनी कहानी बयां कर रहा है बाकी बच्चों के साथ में और किस तरीके से शेयर कर रहा है और वो अच्छे से वो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा रहा है, वो कह रहा है उस वर्ड को वी वी वी। तो आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हो गया होगा। हम वन बाय वन स्टैंजा का एनालिसिस करेंगे। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। स्टैंजा 2 है, There's little Tom Dickrey who cried when his hat that's curled like a lamb's back was shaved. So I said, Hush, Tom, never mind it, for when your hat's bare, you know that the soot cannot spoil your white hair. इन लाइन का एनालिसिस है, वो कहता है आगे एक दूसरे बच्चे की कहानी शेयर होती है यहाँ पे। टॉम डिकरे, एक छोटा बच्चा है टॉम डिकरे, ऑलमोस्ट होगा 9 या 10 साल का, हु क्राइड व्हेन हिज हैड, उसका जो हैड है वो शेव हो गया, मतलब उसके जो हेयर्स हैं वो शेव्ड करवा दिए गए हैं मास्टर्स के द्वारा। और मानो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक लैम्स, मतलब लैम्स जो होता है जब उसको शेव कर दिया जाता है वूल के लिए, तो वो जिस तरीके से दिखता है वैसे ही टॉम खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कहते हैं कि टॉम रुको, रोना बंद करो और चुप हो जाओ। When your hat's bare, जब आपका हैड शेव्ड हो चुका है, तो तुम नहीं जानते कि तुम आप जो सूट है जो कालिक है वो तुम्हारे बालों को, तुम्हारे सफ़ेद बालों को ख़राब नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चे को समझा रहा है जो उस सिचुएशन में से गुजर रहा है, वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि बुरा मत मानो, ये जो भी हुआ है तुम्हारे भले के लिए हुआ है, पॉजिटिव पॉइंट दे के। तो आई होप आपको सेकेंड स्टैंजा भी क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ, स्टैंजा नंबर 3। ये सारे क्वेश्चंस फॉर्म में लिखे गए हैं। एंड सो ही वॉज क्विट एंड दैट्स वेरी नाइट एज टॉम वॉज ए स्लीपिंग ही हैड सच अ साइट दैट्स थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स ड्रिक टू ए नीट जैक वर ऑल ऑफ देम लुक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक। वो कह रहा है थर्ड स्टैंजा में कि अब वो टॉम शांत हो गया है और एक रात है, ठीक है, जहाँ पे टॉम जो है सो रहा था और उसने एक सपना, साइट दैट मीन्स विजन, एक ड्रीम देखा उसने। वहाँ पे वो कहता है कि ड्रीम में थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स हैं, उनके मतलब और भी बच्चे स्वीपर्स हैं यहाँ पे, डिक जॉय नीट जैक, ये सब इमेजिनेटिव क्रिएटर्स हैं जो कैरेक्टर्स हैं जो टॉम के विजन में आए हैं। वो सारे लॉक्ड हो चुकी हैं एक कॉफिन में, एक ब्लैक कॉफिन में वो सारे लॉक्ड हैं सारे के सारे स्वीपर्स। तो एक ही सपना है जो देखा है हमारे कैरेक्टर टॉम ने, और वो सपने में देखता है कि एक कॉफिन है, एक ब्लैक कॉफिन है जो कि वुड से बना है, उसमें काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो लॉक्ड हो रखे हैं। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा में जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ, वो बच्चे लॉक हैं और लॉक क्यों हैं। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव ऑन करते हैं, स्टैंजा नंबर 4। एंड बाय
came an angel who had a bright key and he opened the coffins and set them all free. Then down a green plain, leaping, laughing, they run and wash in a river and shine in the sun. इन लाइंस का एनालिसिस है, वो कहते हैं कि मतलब उनके पास एक एंजल आई है, ठीक है, एक एंजल आई है जिसके पास एक ब्राइट की, एक चमकदार की है, एंड ही ओपन द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री, और उसने सारे कॉफिन्स को ओपन किया जिसमें कि सारी बॉडीज थी चिमनी स्वीपर्स की. वो कॉफिन को ओपन करती हैं और कॉफिन को वो छोड़ देती है, मतलब सबको वो फ्री कर देती है, सबको रिलीज कर देती है उस कॉफिन से. और सारे चिमनी स्वीपर्स जो थे वो हंसकर खुशी के मारे एक हरे मैदान में जाते हैं जहाँ पे वो दौड़ते हैं और ख़ुद को रिवर में मतलब रिवर में वॉश करते हैं, नहाते हैं, बाथ करते हैं. उसके बाद वो खुद को ड्राई करते हैं सन में ड्राई करते हैं. तो मतलब इसका मीनिंग ये है, लिटरली मीनिंग इसका ये है कि वो सब बच्चे आज़ाद हो चुके हैं उस चिमनी, मतलब वो चिमनी अब साफ नहीं कर सकते. वो आज़ाद हो चुके हैं इस सर्विस से, वो आज़ाद हो चुके हैं सोसाइटी की एक्सप्लोइटेशन से. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से बच्चे आज़ाद हो चुके हैं उन सब बाउंडेशंस से. नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं, स्टैंजा नंबर 5. Then naked and white, all their bags left behind, they rise upon clouds and sprout in the wind. And the angel told Tom, if he would be a good boy, he would have God for his father and never want joy. मैं दोबारा रीड कर लेती हूँ स्टैंजा. Then naked and white, all their bags left behind, they rise upon clouds and sport in the wind, and the angel told Tom if would be a good boy, he would have God for his father and never want joy. वो कहता है कि सारे बच्चे जो हैं वो नेक्ड हैं, उनके जो सूट के बैग हैं वो पीछे रह गए हैं, वो क्लाउड्स में खेल रहे हैं और हवा के साथ खेल रहे हैं, मतलब क्लाउड्स पर एक मेटाफोर है यूज़ किया गया क्लाउड के लिए. और टॉम एंजल जो है वो टॉम के पास आके कहता है कि अगर तुम भी एक अच्छे बच्चे बन जाओगे तो गॉड हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाएंगे. तो यहाँ पे इन लाइंस में मेटाफर यूज़ किया गया क्लाउड से बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो आज़ाद हैं और किस तरीके से एंजल टॉम के पास आकर टॉम को समझाता है कि टॉम अगर एक अच्छा बच्चा बन जाएगा तो गॉड हमेशा उसे खुश रखेंगे और कभी भी दुख नहीं चाहेंगे. तो एक कोट्रिन स्टैंजा है. कोट्रिन में होते हैं फोर लाइंस की एक पोयम होती है जिसको कोट्रिन स्टैंजा बोलते हैं. राइमिंग स्कीम AABB. स्टैंजा नंबर 6 है, लास्ट स्टैंजा है. एंड सो टॉम अवॉक एंड वी रोज इन द डार्क एंड गॉट विद आवर बैग्स एंड आवर ब्रशेस टू वर्क. थ्रू द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, Tom was happy and warm. So if all do their duty, they need not fear harm. बहुत सिंपल स्टैंजा है, बहुत ही मतलब पेनफुल लाइन्स बोली गई है इसमें मोटिवेशन की. चलिए देखते हैं. इन स्टैंजा में बताया गया है कि जो टॉम है, जिसके साथ जो टॉम अभी विजन देख रहा था, वो अब उठ चुका है, मतलब उसका विजन जो है वो ख़त्म हो गया है. मॉर्निंग हो चुकी है, टॉम उठता है और साथ में बाकी बच्चे भी उठते हैं. वी मतलब हम सब, बाकी सब बच्चे चिमनी स्वीपर्स उठते हैं सुबह. एंड गॉट विद आवर बैग्स, और बैग्स के साथ वो बैग्स अपने अपने बैग्स ले जाते हैं जिसमें कि ब्रशेस होते हैं चिमनी साफ़ करने के लिए, वो ले जाते हैं सारे बैग्स को. और मॉर्निंग बहुत ही ठंडी है, बहुत ही कोल्ड है, बट टॉम बहुत हैप्पी है और वार्म है क्योंकि उसने लास्ट टाइम विजन देखा था. उसने इस सुबह से पहले विजन देखा है जिसमें कि उसने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं. सो इफ़ ऑल देयर ड्यूटी, वो कहते हैं कि अगर हम सब अपनी ड्यूटी ऑनेस्ट तरीके से करें और अपना काम करें तो हमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गॉड हमेशा हमारे साथ है. आई होप आपको लाइन्स क्लियर होगी. बहुत ही सिंपल स्टैंजा है और इसमें बताया गया कि सोसाइटी किस तरीके से बच्चों का एक्सप्लेनेशन करती है. सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. थैंक यू सो मच.